नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन को मानना है, यह मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देशवासियों को दे रहे हैं। और इस सबके बीच इस वक्त गृह मंत्रालय ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है। इस दिशा निर्देश में गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को केंद्र सरकार ने साफ साफ तौर पर यह कह दिया है कि लॉकडाउन का पालन करवाना उनकी जिम्मेदारी है, उनको लॉकडाउन सख्ती से लागू करवाना ही होगा। पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे लॉकडाउन का लॉक थोड़ा ढीला पड़ता दिखा है, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह निर्देश दे दिया है कि जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होगी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए। 14 दिन का क्वारंटीन भेजा जाएगा उन लोगों को जो लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे। और साथ ही इस एडवाइजरी में कहा गया है कि गरीबों के रहने और खाने के लिए भी प्रशासन को इंतजाम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की, जिसमें उन्होंने आम लोगों से कड़े कदम उठाने के लिए माफी मांगी, लेकिन उस माफीनामे के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को यह दिशा निर्देश दे दिया गया है कि सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जाए। और साथ ही साथ जिन संस्थानों में लोग काम करते हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने कर्मियों को वेतन दें, इस दौरान उनकी तनख्वाहें ना काटी जाए। और मकान मालिकों से कहा गया कि वो गरीबों से मकानों के किराए ना वसूलें। तो सरकार की तरफ से ये सारी बातें कही गई हैं ताकि लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाया जा सके और कोरोना को हिंदुस्तान में फैलने से रोका जा सके, जिसके इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं 979 केस भारत में हो चुके हैं। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया। लॉकडाउन का आज 5वां दिन है और हिंदुस्तान को कोरोना से बचाने के लिए जनता का घरों में कैद होना बेहद जरूरी है। सियासी मतभेद के बावजूद लॉकडाउन का विपक्षी दलों ने भी स्वागत किया है, लेकिन तमाम राज्य सरकारें लॉकडाउन को और मजबूत करके कोरोना के खिलाफ जंग को धारदार बनाने की कोशिश में लगी हैं। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। हालांकि लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लेने की भी कुछ खबरें आईं। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई और अब गृह मंत्रालय ने अपने ताजा निर्देश में सभी राज्यों को साफ कहा है कि लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाए और शहरों से निकलने वाले लोगों का पलायन रोका जाए। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसे कम से कम 14 दिन के लिए सरकारी क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। सभी राज्यों को गृह मंत्रालय का निर्देश है कि गरीबों के रहने और खाने का इंतजाम करें और किसी भी मजदूर या कर्मचारी की तनख्वाह नहीं रोकी जाएगी। यूपी सरकार ने भी मजदूरों और कर्मचारियों की राहत के लिए कई घोषणाओं का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी ने निजी संस्थानों को आदेश दिया है कि किसी भी कर्मचारी और मजदूर का वेतन नहीं रुकेगा। हर गरीब मजदूर को 1,000 देना होगा। गरीबों से मकान मालिक 1 महीने तक किराया नहीं लेंगे। सीएम योगी ने मकान मालिकों से अपील की है कि बकाए के चलते पानी बिजली नहीं कटेगी, अगर कोई जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति के लिए हम लोगों ने पहले ही 11 कमेटियां बनाई हैं, जो प्रदेश की 23 करोड़ जनता या प्रदेश के अंदर रह रहे किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के उन सभी नागरिकों की सुविधा
और उन्हें हर प्रकार के यहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो इसका समाधान करने के लिए पहले से ही हमारी ये कमेटियां यहां पर कार्य कर रही हैं। बिहार सरकार ने भी लॉकडाउन करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। लॉकडाउन के दौरान बिहार पहुंचने वाले लोगों को राज्य सरकार ने अपने बॉर्डर पर ही रोक दिया और सरहद पर बने राहत कैंपों में रखने की व्यवस्था हो रही है। जो लोग बिहार की सीमा तक पहुंच गए हैं या जो रास्ते में हैं, उनके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था है। चारों जितनी भी सीमाओं पर हमारे जहां से एंट्री पॉइंट है वहां पर सीमा राहत केंद्र हमने खोला है, वहां पर लोगों की व्यवस्था है, काफ़ी व्यवस्था है। जैसे कैमूर में बॉर्डर पर 3,000 की व्यवस्था है, गोपालगंज में 2,000 की व्यवस्था है। तो व्यवस्थाएं हैं और लोग आना भी शुरू कर दिए हैं। हम लोग उनको खिलाने पिलाने की मेडिकल जांच कर रहे हैं, पूरा इतिहास लिखा जा रहा है उनका। मगर है कि जिस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे तो हमारे लिए हम लोग के लिए मजबूरी हो, मगर हम लोग का अभी तक का निर्णय है कि वह राहत केंद्र में ही लोग रहेंगे पूरे और पूरे क्वारंटाइन 14 दिन का जो पीरियड लॉकडाउन का है उसे वहीं रखेंगे। दूसरे राज्यों में भी ऐसी कोशिश हो रही है। हालांकि सवाल ये भी है कि लॉकडाउन को पूर्ण रूप से लागू करने से पहले क्या केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारी अधूरी थी, क्या लॉकडाउन के दौरान उठने वाली परेशानियों का आकलन सही तरीके से नहीं हो पाया, क्या आगे 14 अप्रैल तक लॉकडाउन असल मायने में सफल हो पाएगा, सवाल तमाम है। लेकिन देश को भरोसा है कि इस वैश्विक विपत्ति से लड़ने में कामयाबी जरूर मिलेगी। पटना से सुजीत कुमार झा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता देते हैं कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। राशिद अलवी हमारे साथ आ गए हैं, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, स्वागत है राशिद अलवी आपका। हितेश जैन हमारे साथ आ गए हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, बीजेपी के नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ कुछ और मेहमान भी आज कार्यक्रम में शामिल हुए। राजीव रंजन हमारे साथ आ गए हैं, वो जेडीयू के नेता और प्रवक्ता हैं, बिहार से आते हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ और नेता भी लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते जाएंगे। सबसे पहले हितेश जैन, मेरा सवाल आपसे है कि जो परिस्थितियां हो गई वो तो हो गई, अब आगे के लिए सरकारें क्या तैयारी कर रही हैं? देखिए, सरकार इस सारी परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए प्रतिदिन रोज निर्देशन दे रही है। ये सारी परिस्थितियां जो है ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। तो आपने सबसे पहले हॉस्पिटल, आपको अगर मरीजों की संख्या अगर बढ़ती है तो उनके लिए ट्रीटमेंट सेंटर्स, टेस्टिंग सेंटर्स, उसके ऊपर सरकार ने सारे कदम उठाए हैं और उसके लिए सारे राज्य सरकार के साथ मिलकर सरकार एक हेल्थ का जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा क्रिएट कर रही है ताकि डॉक्टर्स की कमी नहीं हुए, बेड्स की कमी नहीं हुए और जो भी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी वो सबसे बड़ी बात है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है जहां पर सरकार और जनता ने साथ में काम करना है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का इफेक्टिव पालन करना है। तो उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आगे के कदम उठा रहे हैं ताकि ये लॉकडाउन जो है ये पेपर पे नहीं रहे पर एक सही मायने में लॉकडाउन रहे और लॉकडाउन का जो इफेक्ट है, जो सोशल डिस्टेंसिंग जो हम चाहते हैं वो अचीव किया जाए। तीसरा, जहां तक माइग्रेंट्स के बारे में जो पता चला है और उनकी जो परिस्थिति जो नजर आई है तो सारे राज्य सरकार को कहा गया है कि उनके लिए शेल्टर, भोजन और उनके लिए व्यवस्था ये पूरी बनाई जाए और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी जाए और उसके लिए भी सारे निर्देश दिए गए हैं। तो जिस तरह से परिस्थितियां इवॉल्व हो रही है उसी तरह केंद्र सरकार जो है उस परिस्थितियों के लिए एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स प्लान जो है वो तैयार कर रही है। लेकिन राजीव रंजन, दिशा निर्देशों पे अमल कितना हो रहा है, क्योंकि बिहार में अचानक बाहर से आने वालों की तादाद बढ़ गई है, अचानक लोग वहां लगातार आने लगे हैं, धड़ाधड़ आने लगे हैं, उस सब में उनकी जांच होना, मेडिकल टेस्ट होना, उनका उनके घरों तक पहुंच जाना, उसके पहले इस चीज की भी व्यवस्था करना कि कोई उनमें से बीमार ना हो, कोई भूखा ना रहे, सबके घर पे सामान पहुंचे, ये सारी चीजें कैसे होंगी और कैसे हो रही है? देखिए, उसके लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहले हम सीमा पर जो भी राज्य के सीमावर्ती जिले थे वहां कैंप लगाने का हम लोगों ने फैसला लिया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने देखा कि वो कहीं ना कहीं बिहार के अलग अलग सीमावर्ती जिलों में 50,000 से ज्यादा लोग बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, तो अंततः राज्य सरकार ने उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहीं ना कहीं कुछ असावधानी वश ये राज्य के लिए कठिनाइयां बढ़ी हैं,
लेकिन हम जनता को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य जांच, उनके राशन और उनके तमाम प्रबंध के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो लोग आइसोलेशन या क्वारंटाइन में जाना चाहेंगे उन्हें उसकी इजाजत दी जाएगी और उनका उनकी व्यवस्था की जाएगी। देखिए, राज्य पूरी तरह से इस पूरे अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बड़े फैसले हुए हैं, लोग घरों में रहें और इस लॉकडाउन 21 दिनों के लॉकडाउन का पालन करें। इसके लिए चाहे वो छात्रों के स्कॉलरशिप्स के 3 महीने का अग्रिम उनके अकाउंट में भेजे जाने का सवाल हो, सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स का फायदा 3 महीने तक उनको अग्रिम उनके अकाउंट में भेजे जाने के साथ साथ सारे राशन कार्ड धारकों को उन्हें 1 महीने का मुफ्त अनाज और 1,000 रुपए उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है। किसानों को भी फसल की भरपाई के लिए उन्हें 518 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है जो सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कराए जाएंगे। हमारे यहाँ कोरोना उन्मूलन फंड बनाया गया है, इसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 करोड़ रुपए की राशि दी है विधान परिषद के सदस्य के रूप में, और राज्य के तमाम जो विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं न्यूनतम 50 लाख रुपए की राशि का सहयोग वो कर रहे हैं। लगातार हमारी कोशिशें जारी है, जो राहत धीमे से कह दी शुरू में, फंक्शनल हो गए हैं, सभी जगहों पर राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राजीव जी, रैन बसेरों में 2 वक्त का उन्हें मुफ्त भोजन मिले, इसके प्रबंध किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके 10,000 किट्स आ चुके हैं यहाँ जांच के लिए, और 3 स्थानों पर जो लैब्स हैं वो फंक्शनल हो गए हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि जब दुनिया के समर्थ जो संपन्न और मजबूत राष्ट्र जब इसके गिरफ्त में आ गए हैं, इस वैश्विक विपदा ने राजकुमारों, राजकुमारियों और प्रधानमंत्री चांसलर इनको नहीं बख्शा है, तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन, प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करना, उनके आह्वान का पालन करना। राजीव जी, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। संकल्प जय नहीं, राजीव रंजन, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। बहुत ही आवश्यक है और तभी इससे मेरी आवाज आ रही है आप तक, परिवार, राज्य और देश का। मेरी आवाज आ रही है आप तक राजीव जी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने बड़े धीमे से कह दिया दिल्ली और यूपी की असावधानी की वजह से। वो लोग तो अपने अपने राज्यों में तैयारी कर रहे हैं, हर दिन अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर दिन बताते हैं कितने लोगों के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, हर दिन बताते हैं स्कूल खोल दिए, उनकी इमारतों में लोगों के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, हर दिन बताते हैं योगी आदित्यनाथ की हमने क्या क्या इंतजाम कर दिया है और क्या क्या हम कर रहे हैं आगे भी। आपने धीमे से कह दिया इनकी असावधानी वश। आप क्या सोच के बैठे थे कि कोई लोग वापस नहीं आएंगे? रोहित जी, जो जहां होगा उसको बंद करके रख लेंगी सरकारें? नहीं नहीं नहीं, आपने करके रखा है बंद वहां पर? रोहित जी पूरी बात को सुन लीजिए, हमारा कोई कतई इरादा नहीं है कि किसी राज्य सरकार पर हम आरोप प्रत्यारोप करें। हमारी पूरी तैयारी इस राज्य के अंदर निवास करने वाले लोगों को 21 दिन के लॉकडाउन का पालन करने और इस दौरान उनको कोई परेशानी नहीं हो इसके इंतजाम किए गए। हमारे रेजिडेंट कमिश्नर को ये नोडल एजेंसी के तौर पर उन्हें जिम्मेवारी दी गई कि देश के तमाम राज्यों के जो उनके अधिकारी हैं उनसे वो संपर्क करेंगे और उन राज्यों में जो हमारे अप्रवासी बिहारियों पर खर्च होगा उनके खाने पीने और चिकित्सा की व्यवस्था को लेकर के, उसको हम लोग यहाँ से उसकी भरपाई करेंगे। उस वित्तीय भार को राज्य सरकार ने वहन करने का फैसला किया, इसकी सूचना सारे राज्य सरकारों को दी जा चुकी है। लगातार इस देश में लॉकडाउन सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य मेरा 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 सवाल कुछ और है, हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल। मेरा कहना कुछ और है सर, मेरा कहना यह है, आप जो कह रहे हैं कि अप्रवासी बिहारियों के रहने खाने का खर्चा हम उठा लेंगे, हम उसका पैसा उन राज्य सरकारों को दे देंगे, उससे इतर सर मानवीयता के स्तर पर इस समय देश के हर राज्य में आम लोग आपस में लगे हुए हैं, वो एक दूसरे की मदद तक करने को तैयार हैं, एक दूसरे को खाना खिलाने को तैयार हैं, कोई पैसा नहीं मांग रहा है। लेकिन मसला यह है कि कम से कम नीयतें तो साफ हो राज्य सरकारों की, एक दूसरे पर आरोप लगाने से, बयानबाजी करने से एक दूसरे के खिलाफ, उससे तो बाज आ जाए ऐसे समय में। आशुतोष, क्या इस चीज को कुछ दिन के लिए रोका नहीं जा सकता कि एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद कर दें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति करना बंद कर दें, और कम से कम ऐसे संकट के समय में लॉकडाउन का पालन ढंग से हो जाए, उसके लिए लोगों को आगाह करने में उतरे मैदान में, उन्हें सुरक्षित उनके घरों पर पहुंचाने के तमाम इंतजाम कराए जा चुके हैं। देखिए ज्यादा लोग बिहार, रोहित जी जरा इनको थोड़ा शांत किया जाए, जिलों में
लोग पहुंच चुके हैं ओके, और ओके राजीव जी के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। ओके राजीव जी ठीक है। आशुतोष बोलिए, फिर आतिशी भी आ गई हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे बात करेंगे। बोलिए रोहित, मैंने आपका सवाल आपका 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 सवाल मैंने अच्छी तरीके से सुन लिया है। देखिए दिक्कत कहां पे है, दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि राज्यों के बीच में किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि दिल्ली के NH-24 पर निकल के लोग उत्तर प्रदेश की सीमा में जाते हुए और ये सोच के जा रहे हैं कि वो कन्नौज पहुंच जाएंगे या फिर वो बदायूं पहुंच जाएंगे या फिर वो आजमगढ़ पहुंच जाएंगे, पैदल जा रहे हैं। और इस समस्या के समाधान करने में तीनों सरकारों को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। और जब समाधान खोजा तो आनंद विहार में जो भीड़ देखी गई उसने लॉकडाउन नामक कॉन्सेप्ट की सारी धज्जियां उड़ा दी। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, अगर हम युद्ध की स्थिति में हैं तो एक जनरल की बात हमें माननी पड़ेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जनरल की भूमिका में है। मेरा यह मानना यह है कि अगर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारें और बिहार की सरकारें अगर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी, अगर एक दूसरे को राजनीति कर रही थी, तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री को फोन उठा के अरविंद केजरीवाल को भी डांटना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ को भी डांटना चाहिए था और नीतीश कुमार से भी कहना चाहिए था। और अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार, इन तीनों को फोन उठाकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए, न कि बयानबाजी हो रही थी। और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं 48 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया आपको बसों का इंतजाम करने में। क्या इस समस्या को पहले से नहीं सोचा गया कि भाई जब आप लॉकडाउन करेंगे तो उस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों के बीच में पैनिक फैलेगा, वो अपने घरों से निकलेंगे, उनको समझाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, सरकारें वहां क्यों नहीं पहुंची, अरविंद केजरीवाल खुद सड़क पर क्यों नहीं उतरे, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलेगा, योगी आदित्यनाथ लखनऊ से बाहर क्यों नहीं निकलते। मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है कि असामान्य स्थिति है, असामान्य असाधारण लीडरशिप दिखाने की जरूरत है। वो जो परंपरागत तरीका है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, हमने ट्विटर पर लिख दिया, हमने जो है वो टाउन हॉल कर दिया और हमने अधिकारी को आदेश दे दिया, उससे काम नहीं चलेगा। जब युद्ध की स्थिति है तो मुख्यमंत्री को, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सामने आकर करना पड़ेगा। सिर्फ यह कह देना कि मैंने अगर अगर दिल्ली के अंदर किचन कम्युनिटी किचन चल रहे थे तो लोग क्यों भूखे मर रहे थे, इसका कोई जवाब है क्या? या अधिकारियों ने या तो अरविंद केजरीवाल को अंधेरे में रखा या फिर जो कागजों में सारे फैसले हो गए, वो कौन से फैक्ट्री ओनर्स हैं जो अपने यहां काम करने वाले लोगों को कह रहे हैं भैया 500 रुपए लो निकल जाओ यहां से, वो कौन है मकान मालिक जिन्होंने अपने अपने घरों में रहने वाले गरीबों को निकाल बाहर कर दिया? इन मकान मालिकों के खिलाफ, इन फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ, इन कंपनियों के खिलाफ क्यों नहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई? दो 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 फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, अभी देखिए सबका सब दुरुस्त हो जाएगा। ये हैवानियत जो हमारे अंदर बैठी हुई है कि हमें अगर 2 रुपए अगर हमको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले तो हम उन्हीं नौकरों को घर से बाहर कर देंगे जो नौकर दरअसल हमारे लिए पिछले 10 साल से काम कर रहे थे, तो इस पर तो कड़ाई से काम करना पड़ेगा। आपका सवाल आतिशी से एज इट इज पूछ लेता हूं, आतिशी उनकी बात का जवाब दीजिए। मैं आशुतोष जी की बात से इस बात से तो सहमत हूं कि बहुत ही एक अनयूजुअल परिस्थिति है, युद्ध की परिस्थिति है। ये भी बिल्कुल बात सही है कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए हर राज्य सरकार को जो जो लोग वहां पे हैं उनका अपना अपना इंतजाम करना होगा, पहली बात। और दिल्ली सरकार को अगर आप देखिए तो पिछले हफ्ते भर से जब से ये स्थिति बनी है दिल्ली में, तो पूरे नेशनल लॉकडाउन से पहले भी लॉकडाउन शुरू हो गया था, तब से ही कुछ ना कुछ इंतजाम दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया। बिल्कुल खाने की व्यवस्था हो रही है, आप उसमें ये कह सकते हैं कि शायद 2 दिन लेट शुरू हुई, लेकिन खाने की व्यवस्था आज दिल्ली में लाखों लोगों के लिए पिछले 2 दिन से दिल्ली में खाने की व्यवस्था हो गई है। नाइट शेल्टर्स में पहले से खाना दिया जा रहा है, आज पूरी दिल्ली भर में बढ़ा हुआ राशन की सप्लाई बांटी जा रही है, दुगनी पेंशन सारे पेंशन होल्डर्स को, चाहे विधवा पेंशन हो चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, दी जा रही है। तो जो जो प्रयास एक सरकार कर सकती है दिल्ली सरकार पूरी तरह से कर रही है। दूसरी बात मैं आशुतोष जी को बता दूं, शायद उन्हें पता नहीं है लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी खुद बॉर्डर पे गए थे, वहां पर भी उन्होंने लोगों से बात की, विधायकों ने भी लोगों से बात की और कई लोगों को कई दिनों तक वापस हमने अपने घरों तक पहुंचाया है। लेकिन समस्या, और इसे आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ना समझिए, लेकिन समस्या उसके बाद शुरू हुई जब यूपी की सरकार का अनाउंसमेंट आया कि हम यूपी के बॉर्डर से बसेस लगाएंगे। जब तक बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो किसी तरह लोगों को मनाकर, समझाकर, बुझाकर वापस अपने अपने घरों में या नाइट शेल्टर्स में या टेम्पररी हमने अरेंजमेंट स्कूलों में किए, तब तक लोगों को वापस भेजा जा रहा था, रोका जा रहा था लोकल लेवल पे। लेकिन जब एक बार ऐसा अनाउंसमेंट हो जाता है कि बसों की व्यवस्था थी, तो ये खबर आज की तरह फैल गई। ये अनाउंसमेंट कहाँ हुआ था आतिशी?
क्योंकि आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आप लोगों ने यूपी सरकार के अनाउंसमेंट से पहले आनंद विहार पे लोगों को ठेलना शुरू कर दिया, ये कह के कि हम देखो बस चला रहे हैं आनंद विहार तक। किस आधार पे उनको आनंद विहार ले जाने का आपने फैसला किया? रोहित जी, इसका कोई आप एक रत्ती भर मुझे, मेरा सवाल ये है, क्या दोनों सरकारों के आपस में कोई बातचीत नहीं है? आप लोग ट्विटर के हिसाब से चलते हैं या व्हाट्सएप के हिसाब से चलते हैं दो सरकारें? रोहित जी, आप मुझे ऐसा रत्ती भर सबूत दिखा दीजिए कि हमने किसी को भी आनंद विहार भेजा। आपने कोई डीटीसी बस नहीं चलाई? बात है, दिल्ली में 25% बसेस पहले से चल रही है। दिल्ली में डीटीसी बसेस का पूरा लॉकडाउन इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में एसेंशियल सर्विसेज बंद हो जाएंगी। एक नर्स अस्पताल तक कैसे पहुंचेगी? एक अगर कोई छोटी दुकान वाला उसे कुछ सामान लेने जाना है वो कैसे लेके जाएगा? तो दिल्ली में लॉकडाउन के पहले ही दिन से पहले 50% बसें चल रही थी, उसके बाद नेशनल लॉकडाउन के बाद 25% बसें पहले से दिल्ली में चल रही हैं, एसेंशियल सर्विसेज के लिए चल रही हैं। और इन बसों में कोई भारी मात्रा में पिछले एक हफ्ते में आनंद विहार बस अड्डे नहीं गया है। लेकिन जब से ये अनाउंसमेंट हुआ कि वहां से बसों से लोगों को अपने अपने घर लेके जाया जाएगा, तो देखिए परेशानी की स्थिति में। आप ये कह रहे हैं यूपी सरकार ने दिल्ली में अनाउंसमेंट करवाया? यूपी सरकार ने अनाउंसमेंट जब कराया मीडिया के माध्यम से, आपके वहां पे डीएम गाजियाबाद का ट्वीट आया है, वो ट्वीट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया कि लाल कुएं से हम अरेंजमेंट करेंगे। ट्वीट तो राघव चड्ढा ने भी डिलीट कर दिया जिन्होंने ये लिखा कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि योगी जी पिटवा रहे हैं लोगों को जो यूपी पहुंच रहे हैं। अब क्या माने इसमें? सुन लीजिए, देखिए अगर कोई सरकारी अफसर ये ट्वीट करता है कि हम बसों का इंतजाम कर रहे हैं, उसके बाद योगी सरकार का प्रेस रिलीज आता है कि हम सबके घर पहुंचने का इंतजाम करेंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में कोई परेशान है, हर व्यक्ति अपने परिवार उसमें ये भी आया कि इनको पिटवाएंगे घर बुला के। अगर कोई दिल्ली में रहने वाला है और उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता यूपी या बिहार के किसी गांव में है, तो वो वैसे ही पहले वापस जाने के लिए बेचैन। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये बात, आप ही लोग कह रहे हैं कि हम 4 लाख लोगों का किचन चला रहे हैं, वो 4 लाख लोग तो घर भाग रहे हैं अपने। लेकिन मसला मेरा सवाल आपने दूसरा साथ में जो था नजरअंदाज कर दिया। आपने गौतम बुद्ध नगर के डीएम का ट्वीट रख लिया जो डिलीटेड था, अपने सहयोगी का नहीं रखा जो डिलीटेड था। क्या आप लोग इसमें भी राजनीति कर रहे हैं? आप लोगों को लगता नहीं कि ये थोड़े दिन बात कर सकते हैं? आप लोग पूरा समय मिलेगा इसके लिए, जिंदा बचे तो सब लोग। अगर राघव चड्ढा जी ने कोई गलत ट्वीट किया था तो बिल्कुल उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब एक ऐसा प्रॉमिस होता है कि हम आपको बसें देंगे, हम आपको साधन देंगे आपके गांव पहुंचने तक, तो देखिए जिसको खाना भी मिल रहा है ना दिल्ली में, लेकिन जिसकी पत्नी अपने घर पे है, जिसके बच्चे गांव में है, जिसके माता पिता गांव में है, बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे वापस। तो इसलिए जब ये गलत सूचना एक सरकार के द्वारा दी जाती है, लोगों को लुभाया जाता है, तभी इतनी मात्रा में लोग वहां पे बॉर्डर पे पहुंच गए और कहने लगे कि हमें बसें दीजिए। दिल्ली सरकार ने तब भी कोशिश करी कि वो लोग वापस चले जाएं। आशुतोष कुछ इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। आशुतोष बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर राशिद दल भी वेट कर रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं। आशुतोष बोलिएगा फटाफट। नहीं, देखिए रोहित, देखिए सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली की सरकार को एडमिट करना चाहिए था कि उनसे गलती हुई या चीजों को मैनेज नहीं कर पाए या चीजों को एंटिसिपेट नहीं कर पाए। लोग दिल्ली से बाहर गए हैं, तो पहली चीज तो ये कि दिल्ली से बाहर क्यों गए, इसके पीछे के कारण को खोजना पड़ेगा। और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की संख्या इतनी कम है कि वो मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों को समझा नहीं सकते थे या दिल्ली के अंदर सरकारी तंत्र इतना कमजोर है समझा नहीं सकते थे। हां, इसमें जरूर दिल्ली की पुलिस की भी एक भूमिका होनी चाहिए। तो जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके फैसले की वजह से गलती हुई और उन्होंने माफी मांगी है, अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा दिल दिखाकर ये कहना चाहिए कि हाँ वो चीजों को मैनेज नहीं कर पाए। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जब एक बार लोग घरों से बाहर निकलना शुरू पाए, चाहे किसी भी कारण से निकले हो, लेकिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपस में बात करके 6 घंटे के अंदर इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। 48 घंटे तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो इसके लिए दोनों सरकारों को अपनी गलती तो माननी पड़ेगी। अगर आप गलती नहीं मानना चाहते, अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर थोबत देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर आप जी आप रहे हैं उस व्यवस्था का हिस्सा रहे। आतिशी से मैंने पूछा, उन्होंने बताया नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दो राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग पार्टियों के हो तो आपस में बात नहीं करते हैं क्या? ऐसी कैलेमिटी की स्थिति में भी राजनीतिक दीवारें खड़ी रहती हैं कि आपस में बातचीत संवाद नहीं होता, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे देश में उसकी?
नहीं देखिए रोहित, मैं कड़वा सच बोलने वाला हूं। कड़वा सच ये कि 2014 के पहले के जो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में जो एक संवाद की स्थिति होती थी, वो आज संवाद की स्थिति में नहीं है। और इसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जो की जो पर्सनालिटी है वो भी आड़े आती है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी, अगर सोनिया गांधी, अगर नरसिम्हा राव वो अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशन से भारत के डेलीगेशन के चीफ के तौर पर भेज सकते थे, तो अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ दोनों एक दूसरे को फोन करके समस्या का समाधान नहीं खोज सकते थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई और सिर्फ बयानबाजियां हुई हैं। आतिशी, कोई बातचीत नहीं हुई दोनों सरकारों के बीच में? कोई बातचीत, कोई संवाद नहीं है दोनों सरकारों के बीच में? केवल ट्विटर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के चलते हैं क्या? रोहित जी, मैं आपको यह बात बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने, जो यूपी सरकार है, उसने कल रात तक वादा किया कि जब इतनी भीड़ हो गई आनंद विहार बस अड्डे पे कि हम बसें भेज रहे हैं वहां से लोगों को अलग अलग एरिया तक पहुंचाने में, ये दिल्ली सरकार को वादा करने के बाद, ये पब्लिकली कहने के बाद आखिरकार उन्होंने नहीं भेजी। आखिरकार आनंद विहार बस अड्डे से अलग अलग जगह दिल्ली सरकार की बसें लेके गई। ये आपको भाजपा के प्रतिनिधियों से पूछना पड़ेगा कि क्यों यूपी की सरकार ऐसी राजनीति कर रही है। और मैं आशुतोष जी को ये भी बता दूं, आशुतोष जी, ये समस्या पिछले दो दिन में इसलिए बढ़ी, जैसा आपकी बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी के ग्राउंड पर विधायक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, और यही कारण है कि ये स्थिति पिछले एक हफ्ते में नहीं घटी थी, क्योंकि हमारे विधायक भी, हमारे कार्यकर्ता भी घर घर जाके लोगों को समझा रहे थे, और जहां जहां सरकारी तंत्र धीरे काम कर रहा था दिल्ली में भी, वहां पे विधायक और कार्यकर्ता और समाज खुद सामने आ रहा है लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन ये फैक्ट है कि जब अगर कोई परिवार का एक सदस्य दिल्ली में है, बाकी परिवार कहीं और है, तो वो लोग वापस जाना चाहते थे, और जब एक बारी यूपी में यूपी के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी तो ये बात आग की तरह फैली। अच्छा, तो आपने यूपी के सर डाल दिया कि यूपी वाले अगर नहीं कहते हम घर छोड़ेंगे तो कोई घर से नहीं निकलता। आपने तो खाने का प्लान बना दिया था पूरा, उनका लंच ब्रेकफास्ट डिनर पूरी व्यवस्था दे रहे थे, इसलिए तब कोई घर से नहीं निकल रहा था। मैडम, आप इस बात को भूल रही हैं कि एक हफ्ते से लगातार हम ही लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आतिशी, आप तो आ जाइए, चार दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री को बैठा के इसी कार्यक्रम में हमने सवाल पूछा कि लोग पैदल जा रहे हैं, उनका क्या करना है, उनके लिए क्या व्यवस्था है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आग्रह कर रहे हैं लोगों से कि घर पे बैठिए, मत जाइए बाहर, हम कंपनियों से कह रहे हैं कि लोगों को मत निकालिए, उनको रोक के रखिए। ये चार दिन पहले की बातचीत है इसी कार्यक्रम में बैठकर। बिल्कुल, और यही यही रोहित जी ग्राउंड पर हो भी रहा था। लेकिन जितनी भारी संख्या में पिछले दो दिन से लोग अपने घर पे निकले हैं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कब अनाउंसमेंट किया, आपके ही चैनल पे सर, मैं दो दिन पहले ये खबर चली थी। मैं तो सिर्फ इस बात से हैरान हूँ कि हम बसें देंगे। आतिशी जी, मैं तो सिर्फ इस बात से हैरान हूँ कि देश जब इस स्थिति से गुजर रहा है जहां हजार का आंकड़ा छूने वाला है कोरोना के मरीज, जहां लड़ाई इस बात की हो रही है कि स्टेज टू से स्टेज थ्री की तरफ ना बढ़ जाए, जहां हर कोई रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्विटर पे फोटो डाल के वाहवाही बटोरने की जंग लड़ रहा है, वहां पर लोगों की जान कितनी सस्ती है कि हम राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे उसमें भी। आशुतोष कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले राशिद अल्वी, माफी चाहता हूं, आप विपक्ष के नेता हैं, पिछले आधे घंटे से आप सुन रहे हैं, ठीक है, उसको सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है ऐसी स्थिति में भी जहां लोगों की जान जा रही हो, हम राजनीतिक से ऊपर नहीं उठ पाते बयानबाजी से? देखिए, मैं कहूंगा कि बहुत ही एक खतरनाक वक्त है, खौफनाक वक्त है, बड़ी जंग है, और इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा ये भी अभी नहीं कहा जा सकता है। इस वक्त कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। ये सही है, मुख्यमंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सारी प्लानिंग फेल हो जाए। जो लोग सड़कों पर निकल आए उन्होंने सारा मकसद ही खत्म कर दिया। और यहां मैं एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, बसें 100 लगा दीजिए, 1000 लगा दीजिए, उनमें जो लोग जाएंगे, अगर उनमें कुछ लोग बीमार हैं तो वो तो बीमारी लेकर जा रहे, क्या उनका पहले से आपने कोई टेस्ट किया है, किसी डॉक्टर ने देखा है, उनको घर तक पहुंचाना ही क्या मकसद रह गया है? सिर्फ एक इलाज है, जो आदमी जहां पे है वहीं पे रहना चाहिए। वो वक्त निकल गया जब लॉकडाउन करने से पहले दो दिन तीन दिन का वक्त दे देना चाहिए था, जो जहां जाना चाहे चला जाए। लेकिन अगर वो गलती हो गई है और वो वक्त नहीं दिया गया तो वो आज वक्त नहीं है।
आज तो जो जहां पे है कोई बसें लगाने की जरूरत नहीं, उन्हें लोगों को रोकिए, उनको खाना दीजिए। आज जब से ये वाकया हुआ कितने फोन आते हैं कि लोगों के पास खाना नहीं, हम भी भरसक कोशिश करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस भी फोन करते हैं। हम ये नहीं देखते ये बीजेपी का आदमी है या आम आदमी का पार्टी है, बीजेपी के लोगों से भी कहते हैं जहां मदद कर सकते करो, अपने दोस्तों से भी बोलते हैं। आज कोई राजनीति नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है, हम सब भारतीय हैं। हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान की जनता खतरे में है। और यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री से बहुत अदब के साथ, सारा देश आपके साथ खड़ा, कोई राजनीति नहीं कर रहा आपके साथ। जितने बॉर्डर्स हैं स्टेट बॉर्डर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दीजिए आप, अगर नाकामी हो रही है तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दें, लोगों को रोकें। किसी आदमी को यह हक नहीं पहुंचता कि दूसरे आदमी के लिए खतरा बन जाए। जो जहां है वहीं रोकिए, बसों को बंद कर दीजिए, कोशिश कीजिए। गरीबों का मुल्क है, मैं ये जानता हूं कि सबको खाना देना भी मुश्किल है, लेकिन हमें पूरी भरसक कोशिश करनी चाहिए कि जो गरीब आदमी है उस तक राशन पहुंचाएं, उस तक खाना पहुंचाएं, उसकी परेशानी को दूर करें। सुबह से मेरे पास आज कम से कम 70 फैमिलीज के फोन आए जिनको खाने के लिए नहीं। मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ फोन करके कहा, जो जिन लोगों को मैं जानता हूं उनके फोन नंबर दिए। अपने अपने तौर पे हम सबको ये कोशिश करनी पड़ेगी। क्रेडिट लेने का वक्त नहीं है, खिदमत करने का वक्त है। और ये वक्त अगर चूक गया और ये बीमारी आगे बढ़ गई तो रोहित जी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले वक्त के अंदर क्या होगा। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा, जो ये 14 दिन का 3 हफ्ते का लॉकडाउन है, ये बड़ी भारी गलत फहमी या सही फहमी है प्रधानमंत्री के बयान से। लोग समझते हैं ये 3 महीने तक चलेगा, इसको क्लेरिफाई करना चाहिए। ठीक है, अगर 3 महीने तक चलेगा, 4 महीने तक चलेगा और मुमकिन है चल जाए, ठीक है, तो उसके इंतजाम करने चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए मुख्यमंत्रियों की, उनको जिम्मे दीजिए, जो कानून को तोड़े उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। ठीक है, इसके अलावा कोई राह नहीं। ठीक है सर, ठीक है, जो बातें आप कह रहे हैं वो वाकई इस देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कम से कम सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, सरकार को समझनी चाहिए। राशिद अलवी तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। राजीव रंजन, क्या वाकई मुख्यमंत्री इस देश में अब स्थिति में आ गए हैं, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो तो आपस में बात नहीं करते, क्या राज्यों की सरकारों की आपस में चर्चा नहीं होती, कोई प्लान नहीं बनता? मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी परिस्थिति आई है जो मैं समझ सकता हूं कि ऐसा कभी हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, और बल्कि हमारे पूर्व में भी जो हमारे पुरखे हैं उनको इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आज अप्रत्याशित स्थिति है तो कुछ असावधानी वश भी कुछ चीज हुए होंगे, लेकिन अभी से भी समन्वय की जरूरत है। बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ अगर राज्य इस देश के संघीय ढांचे के अंतर्गत, राज्य और केंद्र के संबंध क्या है, राज्य के दूसरे राज्य के साथ क्या संबंध है, नागरिकों के प्रति हमारी क्या जवाबदेही है, ये समझने का वक्त आ गया है। कोरोना प्रोटोकॉल और प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उसका असर पूरे देश में दिख रहा है। अप्रवासियों का सवाल बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे यहाँ के अप्रवासी देश के लगभग सभी राज्यों में पहले से जाते रहे हैं और उनकी वापसी संभव नहीं थी, और हम लोगों ने इसीलिए राज्यों को कहा था कि आपके यहाँ जो भी इंतजाम करना है उसका वित्तीय भार हम वहन करेंगे, आप उनको वहां रोकिए और उनको रोक करके जो भी व्यवस्था आप करेंगे उसकी जिम्मेवारी हमारी होगी। लेकिन अब जो कुछ हुआ हुआ, हम लोगों को भी फैसला लेना था इस राज्य में। नीतीश कुमार जी के निर्देश पर जो भी लोग पहुंचे हैं उन्हें उनके घरों में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसके आगे अगर ऐसी असावधानियों की पुनरावृत्ति होगी तो निश्चित तौर पर स्टेज 3 में अगर हम गए तो फिर जिस महामारी ने बोरिस जॉनसन को नहीं बख्शा, जिसने प्रिंस चार्ल्स को नहीं बख्शा, जिसने जर्मन चांसलर को नहीं बख्शा, आज स्पेन की राजकुमारी का निधन हो गया। मुझे लगता है हिंदुस्तान को तबाही से बचना है तो बेहतर समन्वय के साथ जो
स्थितियां हैं उसका सामना करने के लिए तैयार होना हो। ठीक है, लेकिन आशुतोष, अब जब गृह मंत्रालय ने आज दिशा निर्देश नया जारी कर दिया और राज्यों को कहा डीएम एसपी की जिम्मेदारी होगी लॉकडाउन को सख्ती से पालन करवाने की, इस बात को लोगों को कैसे समझाया जाए? क्योंकि जो घर पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे वो तो अभी भी कह रहे हैं हमें घर पहुंचाइए किसी ना किसी तरह। मैं अभी घर से लौटकर अपने दफ्तर आया हूं, पूरे रास्ते मैंने देखा है कतारों में लोग जा रहे हैं अपने बस्ते टांगे हुए, थैले टांगे हुए, बच्चों को गोद में लादे हुए। नहीं देखिए रोहित जी, अभी मैं आतिशी को सुन रहा था, मुझे अच्छी तरीके से याद है 3 दिन पहले मैंने खुद ट्वीट किया था और उसमें यह कहा था कि बाकी के मुख्यमंत्रियों को अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए, बहुत प्रॉम्प्ट उन्होंने एक्शन लिया है। और अगर आज मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं तो इसको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि लोग क्यों आलोचना कर रहे हैं। देखिए दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस देश के अंदर जब वॉर लाइक सिचुएशन है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ कोई बैठक की, कोई मुलाकात की, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई या कमेटी नहीं बनाई? देखिए डीएम को आदेश देने से काम नहीं चलने वाला, मैं बार बार इसको ही कर रहा हूं। इंप्लीमेंट कराने का काम मुख्यमंत्रियों का है। मुख्यमंत्री अगर अड़ जाएगा तो डीएम की हैसियत नहीं, औकात नहीं कि उसको इंप्लीमेंट नहीं कराएगा। आपने क्या देखा? आपने देखा कि सड़कों के ऊपर पुलिस वाले जो है बेचारे प्रवासी को भूखे नंगे उनको लाठियों से मार रहे और बेदर्दी के साथ मार रहे। वो आखिर में वो पुलिस वाले जिम्मेदार नहीं है, वो जो डीजीपी है उस राज्य का, उसकी गर्दन जब तक नहीं पकड़ी जाएगी, भाई तुम्हारे रहते पुलिस वाले कैसे इन गरीबों को मार रहे हैं, तुमने कौन सा आदेश दिया है? तो जब तक क्लैरिटी नहीं है, जब तक चीफ सेक्रेटरी को नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक डीजीपी को नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक आईजी को नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक मुख्यमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तब तक आप जो सड़क पर रहने वाले बेचारे कांस्टेबल है, हवलदार है, जो 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनको जिम्मेदार ठहरा देते। वो बेचारा गरीब आदमी, मैंने कम से कम 50 लोगों की बातें सुनी है जो कह रहे थे मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, और दिल्ली की सरकार कह रही है हमने कम्युनिटी किचन चला रखा है। अगर किचन कम्युनिटी चला रखा है तुमने तो फिर वहां पे लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? क्यों उनको खाना नहीं मिल रहा है? तो ये कहना कि नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश से एक अफवाह फैल गई और उसकी बात पे लोग भागने लगे, तो पहले सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए। और दिल्ली की सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस बात की कि गलती उनसे हुई है, मैनेज उनसे नहीं हो पाया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 3 दिन पहले इसी सरकार की तारीफ की थी। तो पहले एक्सेप्ट करिए, अगर आप कम्युनिटी किचन चला रहे हैं और लोग भूखों मर रहे हैं और लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग उसकी वजह से 800 किलोमीटर चलने के लिए तैयार है, तो एक्सेप्ट करिए कि फाइलों में सिग्नेचर करने से काम नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी टीम को सड़क पर उतरना पड़ेगा। ममता बनर्जी को आपने देखा सड़क पर उतर को लोगों को बता दी किस तरीके से। ऐसा नहीं कि उनके कहने सब चीजें ठीक हो जाती, लेकिन उससे संदेश जाता है, मैसेज जाता है। और मैंने मनीष सिसोदिया को देखा बिना मास्क लगाए वो सड़क पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? राघव चड्ढा खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वहां 50 की भीड़ लगी हुई, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा प्रोटोकॉल? आतिशी बोलिए। देखिए आशुतोष जी, जो ये सवाल है कि क्या कम्युनिटी किचन ना होने की वजह से, क्या लोगों को खाना ना देने की वजह से वो गए हैं, देखिए सबसे पहले आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जो आज इस परिस्थिति में हम हैं, ये इस देश के इतिहास में, शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं आई है। कभी भी सरकारों को जरूरत नहीं पड़ी है कि उन्हें एक दिन में 5 लाख लोगों को खाना खिलाने की जरूरत है। तो ये जो हम 4 या 5 लाख लोगों के लिए खाने की व्यवस्था हमने करी है, ये पिछले 2 दिन से खाने की व्यवस्था हुई है। अगर उससे पहले की आप बात कर रहे हैं तो नाइट शेल्टर्स में 20-25 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था हो रही थी। तो उससे पहले अगर 4-5 दिन में आपने किसी से बात करी कि उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब हमने भी देखा कि लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तभी कम्युनिटी किचन्स को चालू किया गया और तभी ऐसी बड़े स्केल पे आज पूरी दिल्ली में खाना सर्व किया जा रहा है। मतलब 550 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस है आज पूरी दिल्ली में जहां पर खाना दिया जा रहा है। दूसरी बात, आज के दिन ना सिर्फ राजनीतिक दल, ना सिर्फ विधायक, ना सिर्फ कार्यकर्ता, आज आप देखिए पूरा समाज सामने आ रहा है। मैं तो खुद देखती हूँ कि मेरी अपनी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हम जो प्रयास कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, सरकार जो कर रही है, विधायक जो कर रहे हैं, उसके अलावा लोग अपने गली मोहल्ले में भी लोगों को खिला रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो पलायन हो रहा है ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, ये आज के दिन में पूरे देश में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग एक पैनिक की स्थिति में चल गए हैं। लोगों को ऐसा मैसेज चला गया है कि ये लॉकडाउन कोई 2-3 हफ्ते की बात नहीं है, लॉकडाउन महीनों की बात है। आज सड़क पे चलते हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि देखो अगर मरना है तो हम अपने परिवार के साथ मरना चाहते हैं। तो एक पैनिक की स्थिति जो आज देश में है, वो सबको, हम सबको मिलके उसको ठीक करना है।
लेकिन मेरा ये बिल्कुल अभी भी ये कहना है आखिरी तक कि अगर यूपी के मुख्यमंत्री ने, यूपी के अफसरों ने ये नहीं कहा होता, इसी मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है जाने से पहले, आप एक सरकार की प्रतिनिधि हैं, आप आनंद विहार आगे बस अड्डे क्यों पहुंचते? आप दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, पलायन को रोकने के लिए और लॉकडाउन को सक्सेसफुल करने के लिए आप लोग आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या लोगों से अपील कर रहे हैं आप? देखिए, लोगों से हमारी अपील पहले भी जारी थी, आज भी वो जारी है, पूरे एरियाज में मुनादी हो रही है, पूरी दिल्ली भर में मुनादी हो रही है कि आसपास के सरकारी स्कूलों में खाना उपलब्ध है, बॉर्डर के पास ऑलरेडी कई सारे स्कूलों को शेल्टर होम में कन्वर्ट कर दिया गया है कि जहां जहां पर भी बॉर्डर के पास लोग पहुंच रहे हैं हमारा ये, और अगर जो ये बात थी कि सीआरपीएफ बॉर्डर्स पे लगनी चाहिए, हम तो उसका पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि, देखिए दिल्ली में तो फिर भी अस्पताल के इंतजाम है, अगर इनमें से कोई, जो लोग आज दिल्ली से यूपी बिहार और अपने अपने गांव जा रहे हैं, मान लीजिए इनमें से 2% लोगों को भी अगर कोरोना है, 2 इंसानों को भी कोरोना है और वो अपने गांव तक लेकर चले गए, तो ऐसी ऐसी जगह तक ये वायरस पहुंच जाएगा जहां पे हो सकता है कि अस्पताल भी नहीं है जी। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में जहां पे स्वास्थ्य की सुविधा बाकी जगह से थोड़ी बेहतर है शहर होने की वजह से कम लोग अगर यहां पे रुकते हैं तो खाने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था दिल्ली सरकार करेगी। अब आज से बड़े स्केल पर बॉर्डर्स के पास भी, जो सारे बॉर्डर्स के पास जो स्कूल्स हैं उन्हें शेल्टर होम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो बात आप कह रहे हैं, बॉर्डर के पास भी लोग आ रहे हैं, वो शत प्रतिशत सही है, और शायद उसी डर की वजह से लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया था, लेकिन लॉकडाउन फेल हो जाता है अगर जनता उसको भागीदारी नहीं दिखाती, अगर जिम्मेदारी केवल सरकारों के माथे डालकर छोड़ दी जाए कि सरकारों को ही लॉकडाउन करवाना है, डंडे के जोर से कराना है, और लोग ये सोचते रहे कि नहीं हमें तो जहां जाना है हम वहां जाकर ही मानेंगे, तो लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता। लॉकडाउन जरूरी है क्योंकि ये बीमारी, अगर कोई भी व्यक्ति अपने साथ कहीं गांव देहात लेकर चला गया तो फिर देश को स्टेज 2 से स्टेज 3 में जाने में देर नहीं लगेगी, जिसके डर से इस लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। इसीलिए सरकारें बार बार करें कि लॉकडाउन का पालन कीजिए। तो दंगल के आखिरी पड़ाव पर केवल इतना बता दें कि दंगल आप मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं, मोबाइल ऐप हमारा डाउनलोड कीजिए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in।